हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ डार्क सर्कल्स के ऊपर, पफी आईज के ऊपर। जैसे रिंकल्स हो जाते हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं हमारे अंडर आई एरिया के ऊपर या माउथ के आसपास जो लाइंस बन जाती हैं, इन चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आजकल के टाइम में सभी की यही शिकायत रहती है कि मेरी डार्क सर्कल्स जो है वो बहुत जल्दी आने शुरू हो गए हैं, मेरे रिंकल्स पड़ने शुरू हो गए हैं, पफी आईज होनी शुरू हो गई हैं, आईज के नीचे स्वेलिंग होनी शुरू हो गई है। तो ये सारी चीजें हैं जो वो टाइम के पहले ही आजकल लोगों में देखने को मिल रही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करा कीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो डार्क सर्कल्स है, फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, जो पफी आईज है, ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं हम। एक तो हमारी डाइट हम प्रॉपर अच्छी नहीं ले पाते हैं, दूसरा हम नींद नहीं प्रॉपर लेते हैं, तीसरा स्क्रीन टाइम हम ज्यादा देते हैं, पानी कम पीने लगे हैं, और उसके बाद जो पांचवा रीजन है वो होता है जेनेटिक भी होता है। जैसे आपकी फैमिली में किसी को है, आपकी मदर को है, आपके फादर को है, तो वो आप में वो चीज ट्रांसफर हो गई है, वो जेनेटिक मानी जाती है। तो ये सारी चीजें जो है, जो नींद हो गया, स्क्रीन टाइम हो गया, ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन चीजों को हमें सुधारने की जरूरत है। अगर हम इन चीजों को नहीं सुधारेंगे तो हम इन सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट नहीं कर पाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी मैं आज आपके साथ एक ऐसी क्रीम शेयर करने वाली हूँ अंडर आई एरिया के लिए, जो आपकी इन प्रॉब्लम्स को काफी हद तक सॉल्व करने की कोशिश करेगी। ये है मेरे पास वो क्रीम जिसके बारे में मैं आपके साथ अभी बात कर रही थी। ये आपकी काफी हद तक हेल्प करेगी आपके डार्क सर्कल्स को ट्रीट करने में, आपकी फाइन लाइंस को ट्रीट करने में, रिंकल्स को ट्रीट करने में, और जो पफी आईज होती हैं इन चीजों को धीरे धीरे कम करने में आपकी काफी हद तक मदद करने वाली है। ये है मामा अर्थ की बाय बाय डार्क सर्कल्स क्रीम। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्यूकम्बर एंड पेप्टाइड्स। ये आपके अंडर आई एरिया को काफी सूट करता है, काम करता है। जैसे आपने मेकअप भी अप्लाई करा है दिन भर तो आपकी आईज जो है वो थक जाती हैं काफी हद तक। तो उन सारी चीजों के बाद अगर आप अपनी स्किन केयर अच्छे से करेंगे और उसमें आप इस चीज को इंक्लूड करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये ट्यूब पैकेजिंग में आती है। 20 ग्राम का ये प्रोडक्ट है और इसका जो प्राइस है वो है 399 रुपीज। ये सिलिकॉन फ्री, पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है। ये ऑल स्किन टाइप्स को सूट करने वाला है। तो फॉर्मूला है वो बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है, इजीली आपके अंडर आई एरिया पे एब्जॉर्ब हो जाता है। आपको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ कर इसको अप्लाई नहीं करना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है इसको अप्लाई करने का। अपनी स्किन केयर रूटीन जब आप फॉलो करते हैं तो अपने क्लेंस फेस के ऊपर अपनी जो क्रीम वगैरह मॉइस्चराइजर आप लगाते हैं, उसके बाद आप इसको अपनी इस रिंग फिंगर जो होती है ये वाली, इसके साथ इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। डार्क सर्कल्स के बारे में अगर मैं अपना पर्सनल ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूं इस प्रोडक्ट का कि इसने मुझे डार्क सर्कल्स में कितने हद तक फायदा दिया है, तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगी आपके साथ। मैं इतना कहूंगी कि इसने मेरे डार्क सर्कल्स जो हैं उसको बढ़ने नहीं दिया है। यही मेरे लिए बहुत एक बड़ी बात है। अब तो धीरे धीरे ये, अगर मैं जैसे जैसे इसको अप्लाई करती रहूंगी तो ये धीरे धीरे अपने आप असर दिखाना शुरू करेगा, कम होते जाएंगे डार्क सर्कल्स। लेकिन अगर कहीं आपके डार्क सर्कल्स धीरे धीरे बढ़ते जाए वो भी बहुत एक बड़ी परेशानी की बात होती है। तो इस तरह से मैं इस चीज के साथ इतना हूं कि इसने मेरे डार्क सर्कल्स को बढ़ने नहीं दिया है, क्योंकि हमें हर चीज में टाइम देना पड़ता है। इतनी बहुत जल्दी हम किसी चीज से रिजल्ट एक्सपेक्ट कर ले तो वो भी सही बात नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपके सभी डाउट्स, क्वेश्चन, सब क्वेरीज जो है आपकी वो क्लियर कर दी होंगी। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आप मुझे आगे सजेशन देना चाहते हैं किसी वीडियो के ऊपर कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइएगा, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।